हाय, अब हम लोग जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर, और जो हमने रिक्शा वाले भैया बुलाया हुआ है, इनके साथ हम सब लोग जा रहे हैं, और शाम के 7 बजे 8 बजे तक हम लोग वापसी करेंगे और नेपाल चल के हम आपको वहाँ क्या बंधे का लुक देंगे और फिर नेपाल का लुक देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, बैठे बहुत गर्म है। ये जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, ये इंटरनेशनल ब्रिज है। इस रोड पे हम लोग चल रहे हैं वो इंडिया की है, और जो ब्रिज का दूसरा कोना है वो नेपाल के बॉर्डर है, नेपाल वहाँ से बोर्डर है। फर्स्ट मेले में आए होगा, जब मेला चालू हुआ होगा होली से तब आए होगा। ये देखिएगा इस इंटरनेशनल डैम, ये कोना अपना इंडिया है और वो कोना अपना नेपाल। इसी पुल को पार करके हम लोग जाएंगे नेपाल। ये पहला ऐसा बॉर्डर है जहाँ हम लोग बिल्कुल फ्री जा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं, कोई चेकिंग नहीं करेगा, कोई टोकेगा नहीं, आराम से आप नेपाल जा सकते हो। ये केवल एक ऐसा देश है। पानी देखिए कितनी तेज चल रहा है, देखो आदमी अगर गिर गया। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं नेपाल के अंदर और हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। तब तक ये भाई साहब बैठ गए, ये भाई साहब बैठ गए हैं, जोश सजे हुए जा रहे हैं। सुबह जोश था, अब महाजोश है। पहले जोश था, अब होश बिगार है। कल से चलते 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 चल गए ये जी। अभी ये फ्री होते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। सर बताइए, सर कहाँ हैं आप इस समय? वैसे हम लोग नेपाल आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए बहुत सन्नाटा है। मार्केट देखिए सारी आधी ज्यादा बंद है, मार्केट दिखाई कैमरा में। अब जो जैसे जब लोग नवरात्रि में आते बहुत सारा मेला लगा रहता है, उस टाइप से नहीं, बहुत सन्नाटा यहाँ पे है और दुकानें भी काफ़ी ज़्यादा बंद है। तो हमें तो ये लगता है कि यहाँ भी दर्शन करके हम लोग पार्क में थोड़ी देर बैठेंगे शाम को और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ है नहीं। इस समय जो देखने आए थे वो भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आ गया है मंदिर हम लोग का, मंदिर परिसर आपको दिख रहा है सामने। अब ये गाना मालूम कौन सा चल रहा है? ये वाला चल रहा है, कजरारे वाला। ये मंदिर में है इनका। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं ब्रह्मदेव सिद्ध भाव मंदिर पे, सॉरी। और ये देखिए,
रहे थे। तो खास तौर से होली आ रहा है, होली के बाद उसके बाद इतनी भयंकर यहाँ आएगा नहीं लगता गाइस, इसके भी गाइस ज़्यादा गाइस ये देखो इधर देखो वीडियो शादी का सीजन चल रही है। ये पूरा मंदिर प्रांगण है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कितना विशाल बना हुआ है। ये देखिए ये मेन मंदिर है सिद्धनाथ बाबा का। दोस्तों यही है सिद्धनाथ बाबा जिनका मंदिर है। सही करवा लो यार, ये 10 गज है, है? ये नेपाल और भारत में दोनों में पड़ता है। अच्छा, इसमें फीस नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, मतलब ये पहचान है। अच्छा, यहाँ से ये नेपाल की भारत रोड चल रही है, नेपाल और भारत की है। वहीं भी देख लेना, नेपाल और भारत की जो सीमाना में होती है ना, वो कभी वो नहीं होती, बनती नहीं है, कच्ची रोड रहेंगी। ये तो आपको पता भी होगा। अरे तो ये आगे उस आगे है ना मंदिर, देखो नेपाल की लगी लगी फौज वाली। हाँ ना, नेपाल की लगी फौजी हो। दादा तो बैठे हैं, ये सो भी दिख रहे हैं, वो हाथ हिला रहे हैं। लग रही है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा भी लगा इस मंदिर के आके, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। अब हम सभी लोग मंदिर प्रांगण से बाहर निकल रहे हैं और मार्केट थोड़ा सा घूमेंगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं पूरी मार्केट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पैदल ही वापस जा रहे हैं, आए थे बाइक से लेकिन जाएंगे पैदल क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। और प्रकृति का नज़ारा देखते हुए हम लोग पैदल ही जो है डैम को क्रॉस करेंगे। ये देखिए हमारे साथी बराती आगे आगे जा रहे हैं। ये रोड थोड़ा सा कच्चा है क्योंकि ये इंडिया और नेपाल दोनों का है, इसलिए इसको कोई बनवाता नहीं है। ये पहचान है कि ये रोड इंटरनेशनल है।
इसलिए इसको बनवाया नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं कोई बनवा नहीं सकता, बनवा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि पहचान रहे कि ये रोड जो है यहाँ से इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। पंद्रह दिन बाद दुकानें सज जाएंगी। आए थे ना नवरात्र में, इसलिए पता है। अरे एक्सक्यूज है, हमारी वीडियो के आवाज जो हमारी वीडियो में आवाज देते हैं, इधर थोड़ा देखिए, घूमिए जरा सा, कुछ बोलिए आप, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप। क्या बोले, आपने भगवान के साथ जो सेल्फी खिंचाई है जी, जी उस सेल्फी में भगवान भी आपकी सेल्फी लेंगे। ओके, तो जिसमें आपकी फोटो में माला पड़ेगा, भगवान हमारी सेल्फी ले नहीं, और हमारी फोटो अपने पास रखे संभाल के जी। अब ये रोड जो की थे विष्णु भगवान, ये पक्की रोड आ चुकी है। इस रोड से ऊपर दिखाइए थोड़ा, आदमी को पैर आ रहा है केवल। हाँ, ये तीन जो बंदे जा रहे हैं ये हमारे इंडिया के हैं। अब वो हरी साड़ी में जो मैडम जा रही है वो नेपाल की है। अब आप ये समझिए, यहाँ पे ये है रोड जो है नेपाल की है, वो रोड अपनी इंडिया के ऊपर वाली, ऊपर रोड दिखे वो इंडिया की रोड, देखा आपने। अब हम लोग जा रहे हैं इंजॉय लेते हुए, और अच्छा मौसम भी यहाँ का हो गया तो इसलिए हम लोग बड़ा घूमते हुए जा रहे हैं। ये हमारे कैमरामैन रेड टी शर्ट में, और जी मैं जो आपको आवाज़ से बिग बॉस चाहते हैं कि वो हैं बिग बॉस। बिग बॉस के बाद आपने सुनी होगी, जब देख लीजिए यही है बिग बॉस। अभी हम आपको दिखाएंगे टनकपुर, यहाँ से हम जहाँ पे हैं वहाँ से टनकपुर 4 किलोमीटर है, जो कि हमसे अभी एक बता रहे थे एक साहब कि 8 किलोमीटर होगा, जबकि चंपावत 80 किलोमीटर है और दिल्ली यहाँ से 345 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं, ये बोल रहे हैं हम लोग, ये देखिए ये बोर्ड है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम लोग फिर से आ गए हैं आपके सामने, और अच्छे से चलते हुए, और हम आपको क्या बताएं कि इस मौसम में यहाँ आने का इतना अच्छा लगा हमें कि एकदम सन्नाटा था और आराम से हर जगह दर्शन हुए जी। यहाँ पे अभी हम लोग नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, इस मंदिर में हम लोगों ने आराम से करीब 1 घंटा बिताया, सिद्धनाथ बाबा बैठ गए। सॉरी दोस्तों, नाम कंफ्यूजन हो गया, सिद्धनाथ बाबा हैं वो, जो भी बाबा जी हैं उनको जय जय। और अब हम आपको ले चल रहे हैं अपने इंडिया में, कुछ भी कहिए अपना देश अपना ही होता है, तो जब अपना देश होगा तो अपना होगा ही। कैमरामैन फील होती है, अंदर से फील आता ना एक कि हाँ यार अपने देश में आ गए, अपने घर आ गए वैसा। आप ये कहिए कि हमें गर्व है कि हम इंडियन हैं, गर्व है हमें कि हम इंडियन हैं। आप जहाँ भी जाते हैं कहीं भी चले जाओ, अपने देश की इज्जत एक अलग ही होती है, इंडियन को इंडियन लोगों की इज्जत एक अलग ही मिलती है। बस पाकिस्तान में चले जाना, वहाँ ज़्यादा इज्जत मिलेगी आपको। पाकिस्तान देश ठीक नहीं, दो कौड़ी का है। और हम लोग तो बहुत उस दिन खुश हुए जब हम लोग पूर्णागिरि दर्शन करने जा रहे थे माता में, उस दिन फाइनल चल रहा था श्रीलंका और पाकिस्तान का, और हम लोगों ने मोबाइल पे पूरा वीडियो देखा और इतना अच्छा मैच लगा। तो फिर हम लोगों ने जब मैच देखा, उस मैच में इतना इंटरेस्टिंग मैच था उस दिन, और श्रीलंका ने जब पाकिस्तान को हराया तो मुझे बहुत मजा आया, ऐसा लगा कि जैसे हमारी इंडिया जीत रही हो। ओहो, हम पूरे सपोर्टर थे उस दिन श्रीलंका के, हैं तो अपना मित्र ही एक तरह से, विभीषण वहाँ के राजा थे, तुम लोग हम लोगों ने उसके लिए प्रे की कि हमारी श्रीलंका जीत जाए, और पाकिस्तान का जो घमंड है उस घमंड का उनको टूट जाए, घमंड टूट जाए उनका, और उनका भरोसा जो है जो लोगों पे उस दिन बैट जो बैट से बॉलर को बैट दिखाया था वो घमंड उस बैट्समैन का टूट गया जी, जो उसका दिखाया था मोहम्मद रिजवान। और अफगानिस्तान भी टीम बहुत अच्छी है जो कि अच्छा खेली और इतनी जल्दी सक्सेस हुई है और इतना बढ़िया खेल रही है, बहुत अच्छी है। और जब मैच अफगानिस्तान में उन्होंने जब मैच चल रहा था पाकिस्तान से, और जो उन्होंने बदतमीजी की थी वो बहुत गलत बदतमीजी थी जी। देखिए हमारे जो मेरी चर्चा में लगे हुए हैं कुछ आपस में ही बात करते हुए चलते चले जा रहे हैं। अरे भाई साहब कुछ आप देख लीजिए, आप लोग भी कैमरे में हैं, कुछ बताएंगे कुछ। अब कल हम बाहर आ गए थे
और ये दोनों प्राणी इतना थक चुके हैं कि किसी भी बोलने की हालत में नहीं है, ये कुछ नहीं कह सकते, निशब्द हो चुके हैं यहाँ की ब्यूटी देख के। ये देखिए आप, अब हम लोग जा रहे हैं वापस टनकपुर इंडिया, और फिर वही प्रोग्राम कुछ खाने पीने का होता है, और अगर हम लोग कुछ नई रेसिपी बनाते हैं तो उसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, आपके लिए लाएंगे, अगर ऐसा कुछ कर सकता कुछ बनाने का। बनाने जा रहे हैं, लीजिए आ गया, कुछ बनाने जा रहे हैं, बताइए। आज हम लोग खाने बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी, चावल और बढ़िया सी रोटी तवे की। तो बने रहिएगा अध्यक्ष शो चैनल पर, आपको नई रेसिपी की भी वीडियो आपको मिलेगी, जैसे आज आपको दिन में तहरी की वीडियो की दी थी, कल आई थी, वैसे ही इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, बहुत जल्दी आपके सामने होगी जी। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं और आपसे अब नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।